महामहिम के पिछले एपिसोड में हमने बताया कि कैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महज 20 साल की उम्र में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए, अमेरिका में कैसे उन्होंने डंका बजाया, नोबेल प्राइज के लिए उनका नामांकन हुआ। हमने ये भी बताया कि बतौर राजनयिक उनकी माओ और स्टालिन के साथ मुलाकातें कैसे दिलचस्प रही, कहीं गाल थपथपाए गए तो कहीं बाल। और अब इस एपिसोड में जानिए डॉक्टर राधाकृष्णन की राजनीतिक जिंदगी के कुछ खास वाकये। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी, यह है ललनटॉप.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी इंदू बिटिया के शिक्षक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर बहुत भरोसा करते थे। इसलिए 1952 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने तो उपराष्ट्रपति के लिए नेहरू को सबसे सही चॉइस डॉक्टर राधाकृष्णन ही लगे और उन्हें मॉस्को से, जहां पर वो बतौर राजदूत काम कर रहे थे, भारत बुलाया गया। नेहरू को लगता था कि 1957 यानी कि राष्ट्रपति के अगले कार्यकाल के लिए चुनाव तक वह डॉक्टर राधाकृष्णन को राजनीति और उसके इतर क्षेत्रों में सफलता से स्थापित कर ले जाएंगे और इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन के दार्शनिक विद्वान छवि का भी रोल होगा। उन्हें कहां इल्हाम था कि राजेंद्र प्रसाद, जो पहली मर्तबा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से राष्ट्रपति बने थे, एक बार फिर से अपनी दावेदारी ठोक देंगे। महामहिम के पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया कि कैसे राजेंद्र प्रसाद ने पहले तो नेहरू से ये कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। नेहरू ने किसी तरह उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए मनाया और इसी की बिना पर जब नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन को अगले राष्ट्रपति पद की तैयारी के लिए कह दिया तो अखबारों में ये खबरें आने लगीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक और कार्यकाल चाहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जैसे पटेल ने पहली मर्तबा प्रसाद का साथ दिया, दूसरी बार भी प्रसाद का साथ देने के लिए कांग्रेस के एक और बुजुर्ग दिग्गज सामने आए जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये आज़ाद ही थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम से नाराज़ हुए डॉक्टर राधाकृष्णन को भी मनाया, वरना डॉक्टर राधाकृष्णन तो चाहते थे कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और इस बात के संकेत उन्होंने 1956 में ही पंडित नेहरू को दे दिए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं बतौर उपराष्ट्रपति दूसरा कार्यकाल नहीं चाहता हूँ। आगे की कहानी सबको पता है। 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल पूरा हुआ, कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने 10 बरस से देश के उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विपक्ष ने उनके कद का ध्यान रखते हुए कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कुछ निर्दलीय मैदान में थे जिसके चलते वोटिंग की औपचारिकता करनी पड़ी और 92% मत पाकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बने। यहाँ दूसरे नंबर पर रहे रोहतक के वकील चौधरी हरिराम, जिनका किस्सा हम आपको सुना चुके हैं। शांत व्यक्तित्व के धनी, दार्शनिक और अब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का कार्यकाल अशांति से भरा रहा, खासकर सरहद और सियासत के मसले पर। उनके कार्यकाल के दौरान देश के 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई, पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर लाल बहादुर शास्त्री। उनके कार्यकाल के दौरान देश ने 2 युद्ध भी लड़े, 1962 में चीन के खिलाफ और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ। राष्ट्रपति रहते हुए राधाकृष्णन के प्रधानमंत्रियों से कभी भी टकराव के संबंध नहीं रहे। हालांकि एक बार जरूर वो अपनी बात पर अड़े और वो बात ये थी कि चीन से युद्ध में हार के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने नेहरू को साफ संकेत कर दिया कि उनके रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन को जाना होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन के कार्यकाल की एक बात और भी खास है, वो ये कि तकरीबन हर दया याचिका उन्होंने स्वीकार कर ली और फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उनका मानना था कि जब तक अपराध बहुत जघन्य ना हो,
फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। 1967 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल पूरा हो गया। कुछ हलकों में कहा जाता है कि वह भी राजेंद्र प्रसाद की तरह दो बार राष्ट्रपति बनना चाहते थे और इसको लेकर कई राजनीतिक व्याख्याएं दी जाती हैं जिनका जिक्र हम डॉक्टर जाकिर हुसैन वाले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल तो आप बस इतना जान लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन दिल्ली में नहीं रुके, चेन्नई में जाकर सेटल हो गए। उनका आखिरी जीवन एकाकीपन में बीता और 17 अप्रैल 1975 को उनकी मौत हो गई। और आखिरी में मुझे डॉक्टर राधाकृष्णन की सिर्फ दो बातें याद रह जाती हैं। पहली, बतौर राज्यसभा सभापति उनका 10 साल का कार्यकाल। इस दौरान कई तीखी बहसें हुई, कभी सत्ता पक्ष का संख्या के चलते पलड़ा भारी था तो कभी विपक्ष का दलीलों के चलते, लेकिन जब जब लगा कि राज्यसभा में स्थिति अप्रिय हो रही है, विद्वान सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन ने दार्शनिक निष्पत्तियों के जरिए, अपनी सूक्तियों के जरिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन तो कराया ही, कार्रवाई भी सुचारू रूप से चलाई। वो अक्सर पूरी बात सुनने के बाद कह दिया करते थे, हाँ एक सत्य है, विद्वान उस तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते बताते हैं। कभी कोई और दार्शनिक कहानी रहती थी जिसके जरिए सदस्यों को शांत करवाया जाता था। और दूसरी बात, 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दिया गया उनका भाषण, जिसे हर भारतवासी को आज भी याद करना चाहिए। इस सभा में 3 लोगों को बोलने के लिए चुना गया था। चौधरी खलीकुज्जमा, जिनको देश के मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करना था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें देश की दार्शनिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करना था और जिन्हें इसलिए भी चुना गया था क्योंकि उन्होंने अपने विचारों के जरिए ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम की दूरियों को लांग लिया था, दोनों को एकीकृत कर दिया था। और आखिरी में बोलना था नेहरू को। एक पेच था, पेच ये था कि नई सरकार को 11:59 पर शपथ लेनी थी और उसके बाद नेहरू को अपना ऐतिहासिक भाषण शुरू करना था। ऐसे में डॉक्टर राधाकृष्णन को नेहरू ने एक पर्ची थमाई जिसमें कहा गया कि आप बोलिए और इस ढंग से बोलिए कि ठीक 11:59 पर आपका भाषण खत्म हो जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बोला, भारत की महान परंपराओं का जिक्र किया, भविष्य की चुनौतियों का जिक्र किया। मैं उस पूरे भाषण से आपको सिर्फ एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो आज भी बेहद प्रासंगिक है। सर्वभूता दिशा मात्मनम सर्वभूतानि कात्यनि संपश्चम आत्म्यानि वै स्वराज्यम अभिगच्छति। अर्थात स्वराज्य एक ऐसे सहनशील प्रकृति का विकास है जो अपने मानव भाइयों में ईश्वर का रूप देखता है। असहनशीलता हमारे विकास की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक दूसरे के विचारों के प्रति सहनशीलता एकमात्र स्वीकार्य रास्ता है। क्या है देश की तरक्की के लिए मुफीद रास्ता, जानेंगे कुछ और महामहिमों की कहानी के जरिए। यह है theLallanTop.com की पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि हमारी इस खास सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है। यदि किसी राष्ट्रपति के साथ आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है तो आप वह भी हमसे साझा कर सकते हैं। शुक्रिया।